नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT Academy में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए स्कॉलरशिप रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बात करने वाला है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या होता है और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या होता है, मतलब प्री मैट्रिक में कौन कौन क्लास के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में कौन कौन क्लास के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को दोनों स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, प्री मैट्रिक वर्सेज पोस्ट मैट्रिक। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक स्कॉलरशिप का अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं तो हम लोग का टेलीग्राम के साथ भी जुड़े रहेंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिए, वहाँ पर भी स्कॉलरशिप का अपडेट देता हूँ। जैसे कि गूगल पे अगर आप लोग scholarshiphelp.in लिखेंगे तो इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा, स्कॉलरशिप हेल्प, ठीक है, फिर स्कॉलरशिप अपडेट गेट हेल्प पोर्टल। यहाँ पर जैसे आप ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट में आप लोग को नया नया स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट और अदर जो NSP स्कॉलरशिप अदर स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कल्याण बिहार, तो यहाँ पर भी 3 डॉट में भी ऑप्शन है, देख सकते हैं NSP स्कॉलरशिप का यहाँ पर डिटेल्स मिलेगा, इकलान स्कॉलरशिप का यहाँ पर, बिहार स्कॉलरशिप का यहाँ पर, प्राइवेट स्कॉलरशिप का यहाँ पर, आप लोग का 3 डॉट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया हूँ, या फिर आप गूगल पे लिखेंगे scholarshiphelp.in तो इस वेबसाइट में आकर आप लोग स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट ले सकते हैं और जानकारी। अभी बात करने वाला हूँ कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अंतर क्या है, दोनों का डिफरेंट बताऊँगा। तो जैसे कि NSP का वेबसाइट को ही आप अगर ओपन करेंगे तो इसी में बहुत सारा स्कीम है जो लिखा हुआ रहता है प्री मैट्रिक, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटी, फिर पोस्ट मैट्रिक, फिर मेरिट कुमेंस, फिर यहाँ पर आ गया प्री मैट्रिक, फिर पोस्ट मैट्रिक, फिर स्टेट लेवल में भी जाएंगे तो यहाँ पर भी बताएगा बहुत स्टेट लेवल जिसका ओपन है प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। तो ये प्री मैट्रिक होता क्या है और ये पोस्ट मैट्रिक होता क्या, तो पहले समझिए प्री मैट्रिक का मतलब। प्री मैट्रिक PRE मैट्रिक मतलब मैट्रिक से पहले, यानी कि जो स्टूडेंट क्लास 1 से लेके 10वीं तक 10 तक में पढ़ाई कर रहा है, मतलब क्लास 1 में हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो स्टूडेंट अभी 10th में पढ़ाई कर रहा है वो भी प्री मैट्रिक, और 10th से नीचे जितना है 1 से लेके 10 तक सब प्री मैट्रिक के अंदर आता है। मतलब ऐसा स्टूडेंट जो क्लास 1 से 10 तक है वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप लोग अप्लाई करते हैं तो उसका नाम होता है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो कि इस तरह का ये स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक, ये सब प्री मैट्रिक, ठीक है। लेकिन पोस्ट मैट्रिक का मतलब समझो, पोस्ट मैट्रिक मतलब मैट्रिक के बाद, यानी कि 10वीं आप अगर पास कर गए, कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे, कोई भी स्कॉलरशिप अगर ओपन है पोस्ट मैट्रिक जिसका नाम है पोस्ट मैट्रिक और आप 10th पास कर गए, मतलब आप उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, पहला कंडीशन है उसके लिए एलिजिबल है क्योंकि आप 10वीं पास कर गए। उसके बाद उस स्कॉलरशिप में क्या क्या और एलिजिबिलिटी चाहिए उसको देखने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो उसको। तो सिर्फ इतना जानना है कि पोस्ट मैट्रिक का मतलब जो क्लास 10 पास आउट कर जाते हैं और उसके बाद कोई भी क्लास में हो, 11, 12 डिप्लोमा ITR पॉलिटेक्निक BEd DEd डॉक्टर PhD जो भी कर रहा वो सारा चीज़ पोस्ट मैट्रिक में आता है जो 10th पास कर जाते हैं। तो ये था प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में अंतर, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो रहे थे जब न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं NSP में, तो ऑप्शन आता है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, जो कि मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ। वीडियो अभी एंड नहीं कीजिए, स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और भी चीज़ बात कर रहा। जैसे NSP को ही आप अप्लाई करेंगे तो स्कॉलरशिप कैटेगरी का ऑप्शन में आता है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास MCM। तो स्टूडेंट का समझ में नहीं आता कि पोस्ट मैट्रिक ले या प्री मैट्रिक, तो आपको अब समझ में आ गया कि क्लास 1 से लेके आप अगर 10th तक में पढ़ाई कर रहे हैं, 10th में भी पढ़ाई कर रहे हैं तो प्री मैट्रिक होगा आपका, और अगर 10th आप पास कर गए उसके बाद कोई भी क्लास में रहे तो आपका पोस्ट मैट्रिक होता। तो अभी इकल्यान स्कॉलरशिप ये पोस्ट मैट्रिक है, तो 10th पास करके उसके बाद कोई भी क्लास में है तो ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं झारखंड का स्टूडेंट का। बिहार के स्टूडेंट के लिए ये है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, बिहार पोस्ट मैट्रिक जो नया अभी लॉन्च हुआ है, तो आप 10th पास आउट करने के बाद जो भी क्लास में पढ़ाई कर रहे उसके लिए स्कॉलरशिप है। तो इस बार 19, 20, 21, 22 बिहार गवर्नमेंट ओपन किए, तो आप 19-20 सेशन में अगर कोई भी क्लास में थे और 10th पास आउट के बाद वो क्लास है तो 19-20 सेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 20-21 में थे तो 20-21 के लिए, 21-22 थे तो 21-22 के लिए। तो पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक में यही अंतर है, आप लोगों को सभी कुछ समझ में आ गया। अदर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करके फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो पर।